गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हम करण प्रकाश की में पढ़ चुके हैं यूवीएफ में संबंध और आवर्धन क्षमता। अब इन दोनों से हम एक नोट लेकर चलते हैं। नोट में हम क्या देखेंगे, हम जानते हैं वन अपॉन वी प्लस में वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है, इसीलिए समीकरण नंबर एक। तथा आवर्धन क्षमता एम बराबर अवतल दर्पण के लिए क्या निकाल चुके हैं, माइनस वी अपॉन यू, और इसीलिए समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक ये जो आवर्धन क्षमता है यू और वी के रूप में, हमें ये आवर्धन क्षमता यू वी और एफ तीनों के रूप में या फिर वी और एफ के रूप में या यू और एफ के रूप में याद करनी है। तब समीकरण एक, समीकरण ए में हमारे पास वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, क्या करना है हमें वी अपॉन यू के रूप में लेके आना है। तो क्या करें, समीकरण एक के अंदर हम ले लेते हैं किसका भाग, वी का भाग ले लेते हैं। समीकरण एक में दोनों तरफ वी का भाग देने पर क्या बनेगा, वी अपॉन वी प्लस में v अपॉन यू बराबर v अपॉन एफ, v से v कैंसिल, क्या बच गया वन प्लस में v अपॉन यू बराबर v अपॉन एफ। v अपॉन यू लेके चले तो a इधर आएगा, पक्षांतर कर देंगे इसका, क्या बन जाएगा v अपॉन यू बराबर v अपॉन एफ, प्लस का a है इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, क्या बन जाएगा v अपॉन यू बराबर f का घन v माइनस f, और इसे ले देते हैं हम समीकरण नंबर तीन। तो हमारे पास v और u का मान क्या आ गया है, v अपॉन u का मान v माइनस f अपॉन f, ये मान उठा के समीकरण दो में रख देंगे, तीन का मान समीकरण दो में रखने पर आवर्धन क्षमता क्या बन जाएगी, एम बराबर माइनस वी अपॉन यू की जगह क्या लिख देंगे वी माइनस एफ अपॉन एफ। आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के रूप में हमें प्राप्त होती है एम बराबर माइनस वी माइनस एफ अपॉन एफ। इसी प्रकार से हमें आवर्धन क्षमता बिंब दूरी और फोकस दूरी में याद करनी है। इसी प्रकार से समीकरण एक में हम क्या करेंगे u का भाग दे देंगे, इसका भाग देंगे u का भाग देंगे, तब हमें जो मान प्राप्त होगा वो क्या आएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसे हम रख कर देते हैं, एक तो सूत्र ये आ गया हमारे पास एम बराबर माइनस बी माइनस एफ अपॉन एफ। इसी प्रकार एम बराबर क्या आ जाएगा, इस बार इसका उल्टा हो जाएगा माइनस एफ, जो वहां पे एफ नीचे आया था यहां पे एफ कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा, और मान क्या आ जाएगा यू माइनस एफ। ये आ गई आवर्धन क्षमता बिंदु दूरी और फोकस दूरी के रूप में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करें नया टॉपिक हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझिए, इस सबसे ये कोई प्रश्न है समतल जीवना प्रश्न हो सकता है, क्वेश्चन ये है प्रश्न। जब इस प्रश्न के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये है आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश ये हमने इसके लिए लगा दिया है अभिलंब, ये है अभिलंब,
एकदम सीधी जानी चाहिए, निकलनी चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार जाता है, अभिलंब, ये अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है, क्या हो जाती है, अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है, या इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद अपने पथ से क्या हो गई, ये विचलित हो गई, ये जानी चाहिए थी इस प्रकार से सीधी, लेकिन ये थोड़ी सी इससे अपने पथ से विचलित हो गई, प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन, और ये है अपवर्तित, अपवर्तित किरण या अपवर्तित प्रकाश, आपतित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश, और ये है अभिलंब, अभिलंब और आपतित प्रकाश के बीच का कोण, अपवर्तित प्रकाश और अभिलंब के बीच का कोण आर मान लेते हैं, क्या मान लिया, आर मान लिया। अब आगे देखिए, तो यहां पे प्रकाश का अपवर्तन इस डायग्राम की सहायता से हम समझा सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो ये अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है, और प्रकाश इस घटना में अगर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये तो इसकी परिभाषा। अब बात आती है अपवर्तन के प्रकार, जो अपवर्तन अपवर्तन के नियम पढ़ लेते हैं, अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के नियम है वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम, पहला नियम सेम जैसा हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था वैसा ही यहां पे अपवर्तन का नियम, आपतित प्रकाश या आपतित किरण कोमा अपवर्तित प्रकाश या अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, दूसरा नियम ये आई और ये होता है साइन, जिसे हिंदी में कहते हैं जया, आपतन कोण की जय, सेकंड नियम ये आपतन कोण की जय, आपतन कोण कितना है आई, तो इसकी जय क्या होगी साइन आई, और अपवर्तित कोण कितना है आर, इसकी जय कितनी होगी साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, एन क्या है अपवर्तनांक, ये एन से भी लिख देते हैं, कई जगह हम म्यू से भी से प्रदर्शित कर देते हैं, और ये कहलाता है अपवर्तनांक, क्या कहलाता है अपवर्तनांक कहलाता है, या यहां पे माध्यम के रूप में लिख दें, ये एन1 माध्यम, ये एन2 माध्यम, तब से इस प्रकार से लिखेंगे इसे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 अपॉन N1 या N2 1, इस प्रकार से भी हम अपवर्तन का द्वितीय नियम लिख सकते हैं, आपतन कोण की जय अपवर्तित कोण की जय दोनों का अनुपात एक नियत मान के बराबर होता है, और वो नियत मान क्या कहलाता है, उसका अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब बात आती है ये जो नियम है इसका एक नाम हो रहा है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, या अपवर्तन का द्वितीय नियम, दोनों एक ही बात है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 1 या N2 अपॉन N1, ठीक है। आगे देखिए आप अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं, ये अपवर्तन समझ में आ गया आपके, देखिए N
तरीके से जो पहला अक्षर है वो नीचे आएगा एन वन और एन टू, एन टू अपॉन एन वन इसके बराबर होता है, एन टू वन के बराबर होता है। ठीक है, एन वन पहला माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या अब देखिए एन टू वन का मान कब जाता होता है और कब कम होता है, इस पे भी हमें नौ डाल के लिखते हैं। नौ डाला नंबर एक, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या लेके चल रहे हैं, प्रकाश लेकर चल रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो n टू वन का मान क्या होता है, लेस देन वन होता है। सघन से कहां पे जा रहे हैं, विरल माध्यम में जा रहे हैं तो n टू वन का मान एक से कम बचा है, n टू अपॉन n वन। देखिए कैसे ये प्रश्न है, ऊपर क्या है सघन माध्यम और नीचे क्या है विरल माध्यम, ये एन वन है ये एन टू, ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है ये अभिलंब है। तो यहां पे देखिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जाने तरह से चाहिए लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, क्या होती है अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है तो यहां पे ये आई और ये आ, इसका मान ज्यादा है अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाते तो ये इस तरह हुई, आर का मान क्या आ गया ज्यादा, अपवर्तित कोण का मान क्या आ गया ज्यादा आ गया, साइन आर ज्यादा है साइन आई कम है, ये कम है ज्यादा है तो कम में जब ज्यादा का भाग देंगे, कम में जब ज्यादा का भाग देंगे एन टू वन इसका मान भी क्या आएगा, देखो एन वन सघन माध्यम एन टू विरल माध्यम है, ये कोण ज्यादा है, यहां पे देखो यहां पे समझिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, साइन आई ये कम है और साइन आर इसका मान कैसा है ज्यादा है तो देखो ये कम होगा ये क्या हो रहा है ज्यादा, सीधा सा वहां से दिखाई दे रहा तो एन टू वन ये कम ज्यादा, कम में जब ज्यादा का भाव देते हैं तो इसका मान एक से कम आता है इसलिए हम क्या कहें एन टू वन का मान एक से कैसा आएगा कम आएगा, कब आएगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब एन टू वन का मान एक से कम आएगा। ठीक है नेक्स्ट इसी तरह इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है देखिए तो एन टू वन का मान एक से कैसा आएगा ज्यादा, पहले वाले में क्या आ रहा था एन टू वन का मान एक से कम आ रहा था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में करती है तो एन टू वन का मान कैसा आता है एक से ज्यादा आता है, कैसे आता है देखिए ये कोई प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है ये है अभिलंब तो ये जाने कैसे चाहिए लेकिन अब यहां पे ऊपर वाला माध्यम कैसा है विरल है और नीचे वाला माध्यम कैसा है सघन तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, ये आर का मान और ये आई का मान कौन सा ज्यादा है, आई बड़ा है आर छोटा है, वाले फॉर्मूले से देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, साइन आई बड़ा है साइन आर से ये ज्यादा है और ये कम है तो एन टू का मान एन वन से कैसा होगा बड़ा होगा, सीधी सी बात है एन टू का मान बड़ा होगा एन वन से तो एन टू में जब एन वन का भाग देंगे तो सीधा सा मान आ रहा है एक से बड़ा,
आगे सघन और इधर लिखे जाते हैं विरल। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम सघन वह माध्यम जिसमें कण पास पास हो, जैसे कोई क्लास है उस क्लास के अंदर बहुत से बच्चे, लगभग 100 बच्चे, कितने बच्चे बैठे हैं 100 बच्चे, और उसी माप का एक कमरा हो रहा है जिसमें केवल 10 बच्चे बैठे, कितने स्टूडेंट है 10। तो ये तो क्या है सघन है और ये क्या है विरल है। तो सघन तो क्या होगा जिसके अंदर जो कण है वो सारे ऐसे हैं काफी ज्यादा संख्या में उपस्थित है और जिसमें कण काफी दूर दूर है, जिसमें कणों की संख्या बहुत ही कम है वो तो क्या होगा विरल होगा। जिसमें कणों की संख्या बहुत अधिक होगी, जिसमें कण पास पास स्थित होंगे वो कौन सा होगा सघन माध्यम होता है। ये हो गया सघन और विरल माध्यम। अपवर्तनांक से ही संबंधित, अपवर्तनांक को हम दोनों से लिख रहे हैं एन। एन क्या है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन बराबर क्या सूत्र बनता है निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दोनों का अनुपात क्या कहलाता है अपवर्तनांक कहलाता है। किसके बराबर होता है अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या बोला होगी प्रकाश की निर्वात में चार बटा में प्रकाश की माध्यम में चार, कोई माध्यम है उसमें चार, दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है एन या एन बराबर प्रकाश की निर्वात में चार कितनी होती है 3×10⁸ अर्थात से किससे लिखते हैं सी से लिखते हैं बटा में माध्यम में तो चार चार या वेग किससे लिख दिया वी से। तो हमारे पास अपवर्तनांक का एक सूत्र और आ जाता है जिसे हम सी अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं और किसके बराबर होता है ये एन और एन क्या है यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है नेक्स्ट हेडिंग आ गई अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। अपवर्तन से संबंधित घटनाएं क्या क्या घटनाएं हैं जो अपवर्तन के ऊपर निर्भर करती हैं? अपवर्तन से संबंधित घटना इसका ही पहला टॉपिक है कांच की पट्टी का द्वारा अपवर्तन। कांच की पट्टी का द्वारा अपवर्तन देखिए ठीक है ये हम हमारे प्रैक्टिकल में भी करेंगे हमारे माइनर प्रैक्टिकल में है कांच का गुटका या पट्टी का द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। पहले डायग्राम में कैसे होता है इसका ये कोई कांच का गुटका ले लिया है छोटी सी स्लैब होती है नाम दे दिया इसको हमने ए बी सी और डी। ठीक है इस कांच के गुटके को हमने सफेद कागज पर ड्रॉइंग पेपर के ऊपर रख दिया और पेंसिल से इसके चारों ओर सर्कल कर दिया जैसे कि हिले तो भी हम वहीं पे रहे। अब क्या करते हैं इसके अभिलंब की देते सबसे पहले ये है अभिलंब। अभिलंब खींचने के बाद क्या करते हैं अब इसके ऊपर 60 डिग्री
लगभग 60-55 कितने डिग्री का भी हम यहाँ पे कोण बना देते हैं, कोण बना देते हैं। और जो रेखा हमने खींची है आप प्रकाश के रूप में, इसके ऊपर दो या तीन आलोक भी लगा देते हैं, हम यहाँ पे दो आलोक भी लगा, ठीक है। दो आलोक भी लगाने के बाद क्या होता है यहाँ पे, जानी तो ऐसा चाहिए थी लेकिन विरल से काव्य है सघन में आ रहा है, यहां पे वापस से अभिवंद कीजिए तो ये वापस से अभिलंब आ रहा है। देखिए कांच की पट्टी का अपने दो बार पता होता है, एक बार तो ए भी प्रश्न हुआ, एक बार डीसी या सी डी प्रश्न हुआ, यहां पे तो विरल से सघन में आ रहे हैं, यहां पे सघन से विरल में जा रहे हैं, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन ये ऐसे इससे निर्गत हो जाती है, ये आर निर्गत अपवर्तित किरण या प्रकाश। देखिए और यहां पर हम आर भी लगा देते हैं, जब हम यहां से इस सिरे से सीधी सिरे से इन आलोकों को देखते हैं तो ये चारों आलोकों ने एक ही सीध में दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती है, एक ही सीध में दिखाई देती हैं। अब हम जब इस कांच के टुकड़े को या पट्टिका को हटाते हैं, इन आलोकों को मिलाते हैं, तो ये जो निर्गत अपवर्तित किरण है ये वास्तविक किरण से कैसी होगी, थोड़ी सी विचलित हो जाता है। और इन दोनों के बीच में ये दोनों रेखाएं कैसे आती है हमारे पास, समांतर आती है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है इससे लिखते हैं स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी है ये, और ये जो स्मॉल डी है ये कह रहा था पार्श्विक विस्थापन, क्या कहलाता है पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। इस प्रकार से हम किसी कांच के उपयोग की सहायता से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, अपवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल्स में भी माइनर प्रैक्टिकल है, इसलिए आपको ध्यान से इसकी थोड़ी पढ़नी का फिर से देखो। हम एबीसीडी कोई कांच की पट्टिका लेते हैं, इसके ऊपर अभिलंब खींचते, इसको सबसे पहले ड्राइंग पेपर के ऊपर रखते हैं और एक अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब के साथ साथ आगे लेकर कौन बनाते हैं, और इस वाली रेखा के ऊपर किरण रेखा के ऊपर क्या लगाते हैं, दो आर्किंग लगा देते हैं एक सीध। अब इस सिरे से जब इन आर्किंगों को देखते हैं तो जो सीध में आए एकदम सीधी रेखा के ऊपर दो आर्किंग और लगा देते हैं, इन आर्किंगों को जब हम हटाकर मिलाते हैं तो जो वास्तविक किरण है वो और अपवर्तित किरण है वो दोनों एक दूसरे की कैसी आती है, समांतर आती है। और जब हम इन आर्किंगों को देखते हैं इस कांच के टुकड़े में देखते हैं तो चारों आर्किंग एक ही सीध में दिखाई देती हैं, और इसे कहते हैं कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन।